फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार है, एक फैसला जिससे नापाक झूठ बेनकाब होना है, एक फैसला जिसके लिए देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है, एक फैसला जिस पर एक शख्स की जिंदगी और मौत टिकी है। जी हां, पाकिस्तान की जेल में बंद नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण यादव केस में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला सुनाएगा। नीदरलैंड्स के हेग में दोपहर 3:30 बजे 11 जजों की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाई में भारत ने फौरन यादव की फांसी की सजा कैंसिल करने की मांग की थी, तो भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे पैरवी कर रहे हैं। यादव को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और दूसरी एजेंसीज ने मिलकर पूरे केस को तैयार किया। भारत और पाकिस्तान 18 साल बाद आईसीजे में आमने सामने हैं। आईसीजे में सुनवाई के दौरान भारत ने कहा था कि पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है। 46 साल के पूर्व नौसेना अधिकारी यादव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई है। एक फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार है, एक फैसला जिससे नापाक झूठ बेनकाब होना है, एक फैसला जिस पर एक शख्स की जिंदगी और मौत टिकी है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण यादव की फांसी की सजा के मामले में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे का फैसला आना है। भारत सरकार ने यादव को बचाने के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखा। विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर इस पूरे केस को तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भारतीय विदेश सेवा के एक अनुभवी रिटायर्ड अधिकारी की भी मदद ली गई। अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। हमारे पास में आधार हैं, ग्राउंड्स हैं, हमारी एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत ही वेल ड्राफ्टेड एप्लीकेशन हैं, और उस एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, ग्राउंड्स हैं और जो रिलीफ क्लेम की हमने प्रेयर वो सभी ली हैं। इंटरिम रिलीफ भी प्रेयर की है, फाइनल रिलीफ भी हैं। तो वियना कन्वेंशन के तहत में हमें पूरा विश्वास है कि कुलभूषण यादव जो हैं उनके साथ न्याय होगा। हम मानते हैं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिखाया है। बहुत चीज़ें कहने की प्रयास कही हैं लेकिन इन ठोस सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। सबूत कुछ उस ट्रायल का नहीं दिया गया। तो ये सारे मामले ऐसे हैं जो गंभीर मामले, और हम आशा करते हैं कि जो निर्णय आएगा, जो जजमेंट आएगा वो भारत के पक्ष में हो, ऐसा हम आशा और उम्मीद रखते हैं। आईसीजे में कुलभूषण यादव के केस को ले जाने से पहले भारत सरकार ने हाई लेवल पर चर्चा की। इस बात पर डिटेल में चर्चा हुई कि आने वाले समय में पाकिस्तान भी भारत में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकियों की रिहाई के लिए आईसीजे का रास्ता अपना सकता है। हालांकि सब कुछ सोच समझकर भारत ने यादव के मामले को आईसीजे में ले जाने का फैसला किया। कुलभूषण यादव के दोस्त उसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हमें काफी उम्मीदें हैं। आज सुबह सुबह हमने प्रार्थना की भगवान के, हम काफी दोस्त लोग मिले थे, हमने प्रार्थना की भगवान से कि ये जो वर्डिक्ट है हमारे फेवर में ही आए, कुलभूषण जी के फेवर में आए। सारा भारत बहुत ही उम्मीद लेकर बैठा है। जहाँ तक सालवे जी ने अपने पक्ष को बहुत ही उत्तम तरीके से आईसीजी में रखा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि हमें पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। 3 दिन पहले यानी कि 15 मई को नीदरलैंड्स के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था। भारत और पाकिस्तान 18 साल बाद आईसीजे में आमने सामने आए थे। 11 जजों की बेंच के सामने भारत की तरफ से कुलभूषण यादव का पक्ष देश के जाने माने वकील हरीश सालवे ने रखा। भारत ने अपनी दलील में यादव की फांसी की सजा फौरन कैंसिल करने की मांग की थी। भारत ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे में सुनवाई पूरी होने से पहले ही यादव को फांसी दे सकता है। भारत ने पाकिस्तान के उस दलील को भी मजबूती के साथ खारिज किया जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय पासपोर्ट पर यादव के मुस्लिम नाम को लेकर सवाल उठाए थे। Despite India's requests, Pakistan has denied consular officers the right to visit Yadav. They have refused to communicate to the consular officers the charges against Yadav and the evidence and other material adduced against him in the so-called trial, so as to enable them to arrange for his legal representation. The denial of access to Yadav has resulted
in consular officers of India being unable to arrange for legal representation of Yadav and to assure themselves also of his safety and his well-being in custody. आईसीजे में सुनवाई के दौरान भारत ने कहा था कि पाकिस्तान वेना समझौता का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसलर मदद नहीं दी। भारत ने 16 बार अपील की थी लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं मानी। तो वहीं पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा था कि वेना समझौते में काउंसलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं होते हैं, इसीलिए भारत की अपील को नहीं माना गया। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की इस तरह की दलीलों में दम नहीं है। पाकिस्तान ने किस आधार पर वियना करार का भंग किया है, पाकिस्तान ने किस प्रकार प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और वायोलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन किया है और जानबूझकर कुलभूषण को जिंदा है या क्या है, उनकी स्थिति क्या हालत है, इससे भी कोई बताने का उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पूरा अधिकार है और इसका फैसला हमारे पक्ष में है। 40 साल के पूर्व नौसेना अधिकारी यादव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई है। आईसीजे में पिछली सुनवाई में भारत की दलीलों पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा कि वो कुलभूषण यादव को फांसी देने की जल्दी नहीं करेगा। अब सबकी नज़र इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर है। दुआ कीजिए कि फैसला यादव के हक में आए, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो जाए, भारत की जीत हो और सच की जीत हो। दिल्ली से मनीष छिब्बर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो वाकई बहुत अहम दिन है आज, जिस तरीके से फैसला आना है, पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कुछ तय करता है। हम भी पल पल अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। तो 2013 में पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में बंद सरबजीत सिंह को जेल में कैदियों ने मार डाला था। सरबजीत की बहन दलबीर कौर कुलभूषण की सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। जैसा कि आज एक ऐतिहासिक परिणाम का दिन है, तो मैं आज पूरे हिंदुस्तान से अपील करना चाहती हूं कि प्लीज अपने अपने घरों में, अपने धार्मिक स्थानों पर आज एक निर्दोष हिंदुस्तानी के पक्ष में फैसला हो, सत्य की जीत हो, भारत और भारत सरकार की जीत हो। इसलिए आज दोनों हाथ उठाकर ईश्वर से दुआ मांगे कि आज एक निर्दोष भारतीय के पक्ष में फैसला हो, हमारी जीत हो। तो ये सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर जो कह रही है कि काश भारत के पक्ष में फैसला हो। तो इधर किस तरह से पूरे देश में दुआओं का सिलसिला जारी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में भी यादव के दोस्तों ने कुलभूषण की सलामती के लिए दुआएं मांगी हैं। ये बोल्ड है वो जिसपे दुआएं मांगी गई हैं कि काश जो उम्मीद है वो पूरी हो जाए। सिर्फ एक ही दुआ कर रहा है कि हमारे कुलभूषण जी किसी तरह से वापस आ जाएं। आज आप यहाँ नहीं, लगभग हम सारे इंडिया में इस बात को देख रहे हैं कि कहीं कोई हवन कर रहा है, कहीं कोई ह्यूमन चैन निकाल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है सिर्फ कुलभूषण जी के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो सकुशल वापस लौटेंगे। लगभग हर जगह पर यहाँ पर हमारे एरिया में, लगभग हर बिल्डिंग में आप देखेंगे कुछ न कुछ मुहिम चल रही है। लोग अपने अपने तरीके से कुलभूषण जी को याद कर रहे हैं और उनकी वापसी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं और साथ में जनरल अशोक मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी, किस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं? देखिए, उम्मीद पूरी कायम है, सारे तथ्य हमारे तरफ हैं। जैसे कि हमारे अटॉर्नी जो हमारे वकील थे, उन्होंने दलील पेश करी आईसीजे में, और बड़े सारे के सारे जो पॉइंट्स थे जो कि पाकिस्तान अपना प्रोड्यूस कर रहा था, और कि जो एलिज्ड स्पाई होता है उसको सिक्योरिटी एंगल के तहत उसको जुडिशियल गारंटी नहीं दी जा सकती या उसको काउंसलर एक्सेस नहीं देते, चाहे काउंसलर एक्सेस हो ना हो, पर उसको जुडिशियल गारंटी पूरी दी जानी चाहिए एज अवेलेबल इन अ सिविल कोर्ट टू अ कॉमन सिटीजन, वो देना चाहिए। और कहते हैं किस तरीके से उसको आर्मी ने ट्राई किया आर्मी कोर्ट के तहत, भाई अगर फौज की लड़ाई चल रही है दुश्मन के साथ में, तो उस समय जो दुश्मन का सिपाही है उसको ट्राई अगर कोई करते हैं
तो वो मैं बात मानता हूं, पर यहां तो कोई लड़ाई चल नहीं रही थी। और फिर ईरान से उसको अगवा करके लाया गया था, और ये भी बड़े उसके बड़े प्रूफ हैं, चाहे ईरान से पूछिए, चाहे जर्मन एम्बेसडर था जिन्होंने एक ओपन स्टेटमेंट दी थी, और जापान ने इसमें स्टेटमेंट दी थी। तो ये सारी की सारे जो तथ्य हैं हमारे तरफ हैं, और अब आशा ये करते हैं कि जो हमारी तरफ ही बात आए। पर एक बात याद रखें जी, पाकिस्तान उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई करता है तो हमारे पास क्या है? हाँ। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत पड़ सकती है कि नहीं, ये बात बड़ी सोचने की है कि आईसीजे को एब्सोल्युटली नजरअंदाज करके वो अपना कार्यक्रम जारी रखे, चाहे एग्जीक्यूशन का और जो भी करना चाहे, वो जो चीज देखने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान का इस समय सपोर्ट बहुत मिला हुआ है, हाँ। चाइना, रशिया, अमेरिका भी उसको सपोर्ट दे रहा है, हालांकि मुंह दिखाई के लिए जरूर एडमोनिश करता है पाकिस्तान को इत्यादि इत्यादि। और रीजन बिल्कुल सिंपल है, सबको वहां का पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उनको बहुत जरूरी है, और वो वहां चाहते हैं किसी तरीके से कायम रहे, इसीलिए सब पाकिस्तान का सपोर्ट दे रहे हैं। पर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी वीक हो चुकी थी, रशिया भी पाकिस्तान के कैंप में जा चुका था, कई चीजें हमारे साथ में नहीं थी। पर हमें पक्का प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल यही उठता है कि जो भी फैसला आता है उसके बाद क्या? बिल्कुल, बहुत अहम यही होता है। मैं भी अभी अशोक जी आपसे यही बात कर रही थी कि जो भी फैसला आता है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक जो पॉसिबिलिटीज आप लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से वियना समझौते का उल्लंघन हुआ, कई चीजें ऐसी थी जो इसमें उल्लंघन हुई, काउंसलर एक्सेस की बात को भी पाकिस्तान नकारता रहा, कोई जवाब नहीं दिया, 16 बार कोशिश भारत ने की, उसके बाद क्या? दुरुस्त बात है कि जिंदगी उम्मीद पे कायम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है आईसीजे का कि उनका बड़ा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हुक्म, जो ऑर्डर दिया गया है, जो वर्डिक्ट दिया गया है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट 1950 के तहत पाकिस्तान में, कि उसको रद्द कर देंगे, ये गलत फहमी है। अभी हमारी जो हमारी तरफ से जो प्ली है, हाँ। जो हमने उनसे हमने कहा है कि एक्सीक्यूशन पर, हाँ, उनके एक्सीक्यूशन पर स्टे हो, और उनको काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इतनी जल्दी से कार्रवाई की है कि 8 तारीख को आप रिक्वेस्ट करते हैं हियरिंग की, 10 तारीख को वो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है 15 को मिलिए, तो इसका मतलब है कि प्राइमा फेसाई कुछ केस आईसीजे को लगता है कि उल्लंघन हुआ है ह्यूमन राइट्स का और वियना कन्वेंशन। और सर, तो ये जब ये केस चल रहा था, जब से सुनवाई चल रही थी, तब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से जब पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा था, तब भी बहुत सारी चीजें बताई गई थी, कही गई थी उस दौरान भी, और एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को भी देने की कोशिश हो रही थी कि आपकी जो भी अभी तक आपने इसमें प्रोसीडिंग्स की हैं या जो भी स्टेप फॉलो किए हैं वो किस तरह से किए थे। वो उसी के सिलसिले में अगर आप देखें तो वो जो वीडियो कन्फेशन का वीडियो था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको एडमिट नहीं exactly. किया। तो अगर इन दोनों चीजों को मिलाया जाए तो उम्मीद आपको रखनी चाहिए काउंसलर एक्सेस के लिए और स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन। लेकिन स्टे तो वैसे ही बिल्ट इन है। हाँ हाँ। कैसे बिल्ट इन है कि 90 दिन का अपील का पीरियड है, उसमें 60 दिन और लगे हैं। वो पाकिस्तान के जो बैरिस्टर साहब जिन्होंने केस पेश किया है, उन्होंने कहा 150 दिन तो हैं, 150 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्टिपुलेटेड पीरियड है हमारा लॉ ऑफ द लैंड। सो इसका मतलब अगस्त 10 तारीख तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान में फौज है, डीप स्टेट का ऑर्डर चलता है, और इसलिए आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि उनके वकीलों को ये कहा उस समय हेग में कि इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये हमारा
एस्पियोनाज का केस है, ये स्पाइंग का केस है, ये खुफिया एजेंसी का केस है, इसलिए आपका बड़ा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। इसके अलावा उन्होंने और 2008 का जो प्रोटोकॉल साइन हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें आर्टिकल 4B में लिखा है कि यदि कोई केस ऐसे होता है जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उसका असर है, यानी जैसे एस्पियोनाज का, स्पाइंग का, तो उनको काउंसलर एक्सेस वही तभी मिलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ प्रफुल बख्शी जी भी है। प्रफुल बख्शी जी, एक बात ये समझना चाहते हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अशोक जी भी कह रहे हैं कि काउंसलर एक्सेस अगर मिलता है, फर्ज करिए, हालांकि अभी क्या तय है क्या नहीं है ये तो समझना अभी शायद थोड़ा वक्त हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्ज करिए ऐसा हो जाता है, काउंसलर एक्सेस मानिए मिल जाता है, तो फिर क्या आगे होगा? देखिए, अगर काउंसलर एक्सेस मिल जाता है तब सारे के सारे हमारे जो काउंसिल हैं वो पूरी बात के अंदर जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, जो पाकिस्तान कह रहा है उस सारे के सारे प्रूफ्स को सामने लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पासपोर्ट में की बात कर रहे थे, चाहे वो एविडेंस की बात कर रहे थे, चाहे विटनेसेस की बात कर रहे थे, और विटनेसेस भी आएंगे, उसमें बात दो राय नहीं है। और हमारा जो तथ्य था कि उसको वहां से अगवा करके लाया गया है, उसके तरफ बात होगी। काउंसलर एक्सेस जब होती है तो फिर बात बड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, फिर जब बात ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो उसके बाद तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास में कोई सहारा ज्यादा नहीं रह जाएगा। सर, लेकिन एक बात ये भी बताइए मुझे, जिस तरह से अशोक मेहता जी कह रहे हैं कि इसमें लूप में आईसीजी भी होगा, लेकिन चूंकि उसके पास बहुत लिमिटेशंस हैं, एक अगर जो भी वो अपना फैसला सुनाता है उसके बाद, तो अगर वो लिमिटेशंस आती हैं तो क्या राइट होंगे कि पाकिस्तान जो कर रहा है या जो करने जा रहा है वो उसको भी गाइड कर पाए? देखिए, पाकिस्तान अगर जो करना चाहेगा वो करके रहेगा, ऐसे कोई आईसीजे के पास ताकत नहीं कि उसको रोक ले, और कई कंट्रीज कर चुकी हैं पहले भी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान करेगा ये क्यों करेगा? पाकिस्तान इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास दुनिया की कंट्रीज का जो मेन कंट्रीज है उनका उसके पास सहारा है, और इसलिए पाकिस्तान करेगा। और उसके बाद में अगर हम सोच रहे हैं कि फिर तर्क और सर, फिर रास्ता क्या बचता है? वकालत से हम उसको क्या कहते हैं हावी कर लेंगे। पार्डन सर, रास्ता क्या बचता है, क्या लगता है आपको? आपने कहा जी रास्ता क्या बचता है? हमारे पास रास्ता ये बचता है, रास्ता बचता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर निरंतर प्रेशर डाल के रखें। देखिए, अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता पहले से तो बात दूसरी होती। हमारे पास प्रेशर, हमारे पास नीतियां ऐसी नहीं थी कि हम प्रेशर डाल सकें। हमने कोई मिलिट्री एक्शन के में ठोस कार्रवाई पहले नहीं करी। हमारी फौजों को ये हुक्म मिला हुआ है कि आप रिएक्ट करेंगे, आप प्रोएक्ट नहीं करेंगे, जब हमला होगा तो उचित कार्रवाई करेंगे। इससे हम पाकिस्तान को प्रेशर में डाल ही सकते ही नहीं। और दूसरा है कि अगर पाकिस्तान भी इसी सिचुएशन में होता जैसे कि हम हैं तो बात दूसरी बनती, पर वो अब बात तो चिड़िया चुग गई खेत, अब करी क्या पछतावे वाली बात है, अब हम नहीं वो होप कर सकते। अब हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ही डलवा सकते हैं सर, लेकिन इससे भी तो प्रेशर बन रहा है। अब प्रेशर सर, 18 साल बाद कोई मामला है जिसमें हम आमने सामने हैं, 18 साल बाद जब कोई मामला आईसीजे में आता है और उस पर ठोस टिप्पणी भी आईसीजे की तरफ से की जाती है, जब ये पूरा केस चल रहा होता है, तो इससे भी तो एक दबाव बनेगा। बाकी वो जो हम बात कर रहे हैं कि बाकी कंट्रीज प्रोटेक्ट कर रही हैं, संरक्षण देती हैं पाकिस्तान को, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, तो इस पर भी तो एक दबाव बनेगा। देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस पर दबाव बनेगा, पर ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसमें सच झूठ क्या कहते हैं पाप पुण्य ये कोई बात नहीं चलती। अगर पाकिस्तान रिफ्यूट करता है, कहता कि मैं चैलेंज करता हूं उसके आईसीजे को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आप बात बता रहा हूं, यहां पे कोई सिक्योरिटी काउंसिल की या यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस थोड़ी है कि उसको चढ़ाई कर देंगे या ब्लॉकेड हो जाएगा उसका। ये सैंक्शंस जो है ये कमिटी ऑफ नेशंस करती हैं और सैंक्शंस उसके ऊपर नहीं होंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान इस बात को लेके इस तय में बड़ी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो नॉर्मल कार्रवाई करेगा, और अगर कार्रवाई उसके पक्ष में नहीं आती
तो वो अड़ जाएगा। सर वाकई यही देखते हैं हम कि आखिर क्या तय किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से, क्योंकि जो भी तय किया जाएगा वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर ही सामने आएगा। अशोक जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं देखिए, ये जो कार्रवाई हमने की है ये पाकिस्तान की निंदा करने के लिए की है। पाकिस्तान की निंदा कैसे हो रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए, आपने दो बातें दिखाई कि हमारा जो नागरिक है जहां भी है, चाहे वो स्पाई था या नहीं था, हम उसकी हिफाजत के लिए हम पहली बात आप वो बता रहे हैं अपने लोगों को। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान एक अच्छा देश है कि मान लीजिए एस्पियोनाज के चार्ज पर लिया हुआ है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, काउंसलर एक्सेस दिया नहीं है, हमको कोई चार्जशीट नहीं मिली है, हमको कोई पता नहीं है कि इसको कहाँ लेके रखा हुआ है। सो इससे जो निकलेगा उससे पाकिस्तान की काफ़ी निंदा होगी कि देखिए इन्होंने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, एडिशनल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। लेकिन जो डिसीजन कोर्ट ने दी है फांसी की, वो नहीं चेंज हो सकती। वो आईसीजे नहीं कह सकता कि आप इनको फांसी मत लगाओ। अब इसका हल क्या है, आपने सवाल पूछा, इसका हल एक ही है, वो राजनीतिक तरीके से है। और वो राजनीतिक तरीका अभी जो कार्रवाई की है हमने, वो हमने टाइम के लिए बाइंग टाइम जैसे करने के लिए। अब हमको पॉलिटिकल लेवल पर बात करनी, हमारे पास भी कैदी हैं उनके जो हमारे पास हैं, कोई स्पेनाज के चार्ज पे हैं। एक हाल में पिछले महीने एक लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज सुना है कि पकड़ा गया है पाकिस्तान का नेपाल बॉर्डर पर, वो हमारे कब्जे में है। तो लेकिन भारत मतलब शायद डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी, आप शायद ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वो उसको कहते हैं स्पाइस स्वॉप। आप एक आप हमारा आदमी लौटा दीजिए, हम आपके दो लौटा देंगे। ये तो बहुत होता है इजराइल में। इजराइल में एक सार्जेंट को रिलीज करने के लिए 1000 उनको। सर अब देखते हैं आखिर क्या तय किया जाता है। प्रफुल्ल जी एक बहुत और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो अशोक जी भी कह रहे थे कि कुछ भी रहा हो, चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पूरा मामला है जो पैरवी पाकिस्तान की तरफ से रखी गई, कोर्ट ने एक वीडियो को भी डिनाई कर दिया एक्सेप्ट करने से। कुल मिलाकर एक बात तो ये है कि एक्सपोज तो पाकिस्तान हो रहा है कि किन किन तरह से, किन किन यहां पर वो कैसे कोई भी केस को लीड करता है या उसमें सजा सुनाता है, एक प्रेशर तो इससे बन रहा है। बिल्कुल प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे जनरल साहब मेहता कह रहे थे कि ये जो उसकी जो निंदा होगी वो बड़ी घोर निंदा हो रही है, इसमें कोई वो भी राय नहीं है। ह्यूमन राइट्स का उन्होंने उल्लंघन किया है और कई नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात मैं मान के चलता हूं, पर देखिए जैसा है, जैसे अब नेपाल बॉर्डर पर जो कर्नल पकड़ा गया है, अब उसकी बात आएगी। अगर हमने पहले ही प्रोएक्टिव दिखाया होता या तो उनकी एरिया ऑक्यूपाई कर लिया होता। देखिए अभी बात चलती है, आगे जाके जाती है। आपको हाँ। मैं थोड़ा सा दायरे के बाहर ले जा रहा हूं। आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है फौज को कि आपको खुली छूट दी जा रही है। एक खुली छूट का मतलब क्या है? देख खुली छूट का मतलब है कि आपको अब प्रोएक्टिव हो जाइए, ये मतलब है तो ठीक है। नहीं तो अगर आप वही पॉलिसी करते कि जब आप पे हमला हो तब आप जवाबी कार्रवाई करें तो खुली छूट नहीं होगी। अगर हम जाके अब उनके पीओके के एरिया के ऊपर कब्जा करते हैं, यानी कि कुल मिला के प्रफुल्ल जी हमारे में पॉलिटिकल वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास। बहुत लोग हैं वो कहते हैं न्यूक्लियर। प्रफुल्ल जी वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी है, हम इंतजार करेंगे कि 3:30 बजे तक कि क्या कुछ फैसला होता है और उसके बाद भी आपसे हम ओपिनियन लेने की कोशिश करते रहेंगे जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।